बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच नीतीश कुमार सरकार ने एक बार फिर राज्य में लॉकडाउन लागू कर दिया है। जानकारी के अनुसार यह लॉकडाउन 31 जुलाई तक रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर परिवहन सेवा, शॉपिंग मॉल आदि को बंद किया गया है। बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण विकराल रूप लेता जा रहा है। जानकारी के अनुसार बिहार में बीजेपी के एक साथ कई नेता कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं। बिहार बीजेपी में कोरोना को लेकर हड़कंप मच गया है। दरअसल बिहार बीजेपी में एक साथ 75 नेता और पार्टी कार्यालय में तैनात कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी का सैंपल सोमवार को लिया गया था, जिसमें मंगलवार को आई रिपोर्ट में सभी कोरोना वायरस से पॉजिटिव मिले। इसमें संगठन महामंत्री नागेंद्र की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई। राज्य में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले राज्य स्तर पर तेजी से बढ़ रहे हैं। जून महीने में जहां एक दिन में पॉजिटिव केस मिलने की रफ्तार 2 से 2.5 गुनी थी, उसने जुलाई महीने में रफ्तार पकड़ ली है। यह रफ्तार अब रोज 1100 से लेकर 1200 केस तक हो चुकी है। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए 7 जुलाई को मुख्य सचिव दीपक कुमार ने जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर निर्देश जारी किए कि डीएम अपने अपने क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते मामलों का आकलन करें और आवश्यकता के आधार पर आंशिक लॉकडाउन का निर्णय लें। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद पहले भागलपुर, इसके बाद 10 जुलाई को पटना में आंशिक लॉकडाउन लागू किया गया था। अगले ही दिन करीब 15 जिलों में आंशिक लॉकडाउन भी लगा दिया गया था।